हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे हमने साइक्लोएल्केन्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे। आज हम साइक्लोएल्केन्स की सिंथेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसमें पहला प्रॉपर्टी है कि सनलाइट में साइक्लोएल्केन क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ क्रिया करके प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये साइक्लोएल्केन ये क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन क्लोरीन के साथ क्रिया करके 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बना रहा है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दूसरी अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन में क्लोरीन और ब्रोमीन का एडिशन, ब्रोमीन से एड करके डाइब्रोमोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन क्लोरीन से ऐड करके डाइक्लोरोप्रोपेन बना रहा है। साइक्लोब्यूटेन तथा उच्च सदस्य ये अभिक्रियाएं नहीं देते, प्रोपेन के साथ हमने ये अभिक्रिया दी है। इसके बाद एडिशन रिएक्शन में साइक्लो प्रोपेन HCl और HBr के साथ एडिशन रिएक्शन करके 1-क्लोरोप्रोपेन और 1-ब्रोमोप्रोपेन बना रहा है। इसके बाद एडिशन विथ हाइड्रोजन, एडिशन विथ हाइड्रोजन में अपन ने देखा साइक्लोप्रोपेन हाइड्रोजन निकल की उपस्थिति में प्रोपेन बना रहा है, साइक्लोब्यूटेन से नॉर्मल ब्यूटेन बन रहा है। इसके बाद कंसंट्रेटेड H2SO4 का योग जब हम साइक्लोप्रोपेन पर करा रहे हैं तो साइक्लोप्रोपेन सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इसके बाद यह हो गई सारी एडिशन रिएक्शन। अगली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। साइक्लोहेक्सेन का ऑक्सीकरण KMnO4 की उपस्थिति में जब हम कराते हैं तो एडिफिक एसिड बनता है। साइक्लोएल्केन का ऑक्सीकरण जलीय KMnO4 की उपस्थिति में नहीं होता, लेकिन क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिडों का निर्माण करते हैं। तो ये इनकी विशेष सिंथेटिक एप्लीकेशंस हुई। अब हम देखते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स का रिलेटिव स्थायित्व क्या है? साइक्लोएल्केन्स की रासायनिक अभिक्रिया व्यक्त करती है कि साइक्लोप्रोपेन योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है। इनकी क्रियाशीलता एल्केनों की अपेक्षा कम होती है। साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन से कम क्रियाशील होता है। इसमें जितना उच्चतर सदस्य होगा योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा, ये यौगिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से देते हैं। उच्चतर सदस्य इनके स्थायी होते हैं तथा बंद वलय पर भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। इसके स्थायित्व को समझने के लिए एक सिद्धांत बताया गया जिसे बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत कहते हैं। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी समझाई गई जो कि इनके स्थायित्व को समझाती है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, बेयर के स्ट्रेन थ्योरी के अनुसार, कि कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक नियमित टेट्राहेड्रल के चारों कोणों को इंगित करती हैं। इन्हीं दो संयोजकता के बीच का बंध कोण 109 डिग्री होता है। ये संयोजकता कोण वलय के निर्माण के दौरान इसके सामान्य मान से विचलित हो जाती है, जिससे अणु की में विकृति उत्पन्न होती है। जैसे जैसे सामान्य कोण में विचलन बढ़ता है, अणु में विकृति भी बढ़ती जाती है। तो बेयर के नियम के अनुसार 5 और 6 सदस्य की वलय का निर्माण आसानी से होता है तथा यह अधिक स्थायी होती है, क्योंकि इसमें सामान्य संयोजकता कोण से कम विचलन पाया जाता है। साइक्लोएल्केन अणु में वलय के सभी कार्बन परमाणु एक ही तल में स्थित होते हैं तथा साइक्लोप्रोपेन की समतल त्रिभुजीय, साइक्लोब्यूटेन की समतल चतुर्भुजीय तथा साइक्लोपेंटेन की समतल पंचभुजीय ज्यामिति होती है। साइक्लोएल्केन को समतल ज्यामिति प्राप्त करने के लिए सामान्य चतुष्फलकीय कोण से विकृत होना पड़ता है। इस विकृति को कोणीय विकृति कहते हैं। जिस अणु की कोण से जितनी अधिक विकृति होती है वह उतना ही अस्थायी अणु होता है। बेयर के कोणीय विकृति के परिकलन के लिए एक सूत्र दिया गया है। कोणीय विकृति S=12109.5 - वलय का बंध कोण। इस सूत्र की सहायता से निकाले गए कुछ साइक्लोएल्केन की कोणीय विकृति के मान और उनकी दहन ऊर्जाओं के मान इस प्रकार हैं। साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन और खुली श्रृंखला। इसका जो ज्यामिति है कि साइक्लोप्रोपेन समतल त्रिभुजी है, इसमें बॉन्ड एंगल 160 डिग्री होता है और इसकी विकृति 24.75 है और दहन ऊष्मा इसकी ये है। तो यहाँ पर हमने कुछ यौगिकों के ज्यामिति, बंध कोण, कोणीय विकृति और दहन ऊष्मा के मान दिए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि
कोणीय विकृति का धनात्मक मान इंगित करता है कि बंद कोण का मान संकुचित होता है, जबकि कोणीय विकृति के ऋणात्मक मान बंद कोण का मान चतुष्फलकीय के कोण से प्रसारित हो जाता है। बेयर का विकृतिवाद क्या कहता है कि एल्केन के सामान्य संयोजकता कोष में विचलन नहीं होता, ये अत्यधिक स्थायी होते हैं। साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणु एक समबाहु त्रिभुज के कोने पर स्थित होता है, जिसे सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है, जिससे साइक्लोप्रोपेन में कोण तनाव का मान 24.75 डिग्री प्राप्त होता है। तो यहाँ पर विकृतिवाद सिद्धांत के अनुसार अणु की विकृति का मान सामान्य संयोजकता कोण के विचलन के समानुपाती होता है, और यहाँ पर यौगिक को संश्लेषण कर लिया जाता है, लेकिन यह सिद्धांत उच्चतर सदस्यों के लिए अनुचित पाया गया। अब हम देखते हैं दहन ऊष्माओं के मानों पर आधारित स्थायित्व। विभिन्न एल्केनों में दहन ऊष्माओं के मान समान अर्थात 157.4 किलो कैलोरी प्रति मेथिलीन समूह होता है। मेथिलीन समूह लेकिन विभिन्न साइक्लोएल्केन में प्रति साइक्लोहेक्सेन की दहन ऊष्मा का मान 157.4 किलो कैलोरी होता है। एक CH2 समूह एल्केन की दहन ऊष्मा के मान के बराबर होता है तथा इसका स्थायित्व भी एल्केन के समान होता है। जैसे साइक्लोपेंटेन में दहन ऊष्मा 158.7 किलो कैलोरी 1 CH2 समूह व साइक्लोहेप्टेन में दहन ऊष्मा 158.3 किलो कैलोरी 1 CH2 समूह की दहन ऊष्मा के मान अपेक्षाकृत अधिक होते हैं तथा ये अपेक्षाकृत अस्थायी यौगिक होते हैं। साइक्लोप्रोपेन व साइक्लोब्यूटेन की दहन ऊष्माओं के मान अत्यधिक उच्च होने के कारण ये अतिक्रियाशील होते हैं। सारणी के अनुसार दहन ऊष्माओं के मान व्यक्त करते हैं कि C3 तथा C4 सदस्यों की दहन ऊष्मा के मान उच्च होते हैं, जबकि C5 तथा इसके बाद वाले यौगिकों की दहन ऊष्माओं के मान लगभग स्थिर होते हैं तथा ये मान एल्केन की दहन ऊष्माओं के निकट होते हैं। अतः इनका स्थायित्व भी संगत एल्केनों के समान होना चाहिए, परंतु बेयर के सिद्धांत के अनुसार C10 और C13 वाले वाले साइक्लोएल्केन का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इन उच्चतर सदस्यों का संश्लेषण भी किया जा चुका है तथा ये पाया गया कि ये काफ़ी स्थायी होते हैं। बेयर के सिद्धांत की कुछ लिमिटेशंस हैं, ये इस प्रकार से हैं कि कोणीय विकृति के आधार पर साइक्लोपेंटेन का स्थायित्व साइक्लोहेक्सेन से अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। साइक्लोपेंटेन से उत्तर साइक्लोएल्केन के लिए प्रति CH2 दहन ऊष्मा का मान लगभग एक समान प्राप्त हो रहा है। सिद्धांत के अनुसार उच्चतर वाले अत्यधिक विकृति युक्त होने के कारण संश्लेषित नहीं की जा सकती। तीसरा, एल्किल हैलाइडों के डीहाइड्रोजनीकरण तथा एल्कोहल के निर्जलीकरण से कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड का निर्माण आसानी से हो जाता है, लेकिन ये बेयर के सिद्धांत के अनुसार ये द्विबंध कठिनाई से बनना चाहिए। अब क्या है विकृतिहीन वलयों का सिद्धांत या सैशे मोर सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार 5 सदस्य और उससे छोटी वलयों में उपस्थित कार्बन परमाणु एक ही तल में स्थित होते हैं, जो बेयर द्वारा भी बताया गया है, परंतु 6 सदस्य या अधिक बड़े वलयों में ज्यामिति समतलीय नहीं होती है, अर्थात ये भिन्न तलों में स्थित रहते हैं। इनकी ज्यामिति इस प्रकार होती है कि इनके बंद कोण का मान 109.5 डिग्री रहता है। इस प्रकार की वलयों को स्ट्रेनलेस वलय कहा जाता है। सैशे के अनुसार साइक्लोहेक्सेन के 2 सरूपण और नौका रूप होते हैं, ये दोनों विकृतिहीन होते हैं। साइक्लोहेक्सेन का ये बोट शेप और ये चेयर शेप होता है, दोनों ही स्ट्रेनलेस होते हैं। इन रूपों को विलगित नहीं किया जा सकता क्योंकि इन रूपों में अंतर परिवर्तन ऊर्जा का मान केवल 5 किलो कैलोरी होता है। इसके अतः इस सिद्धांत को नकार दिया गया। मोर ने सैशे के सिद्धांत को पुनः बताया, इसके अनुसार कुर्सी तथा नौका रूप का जो एकल बंध है सापेक्ष घूर्णन द्वारा एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, और यह परिवर्तन बहुत कम ऊर्जा 5 से 6 किलो कैलोरी ऊर्जा से हो जाता है। अतः कुर्सी रूप अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है तथा समान ताप पर साइक्लोहेल्केन का कुर्सी रूप ही प्राप्त होता है। इसके अनुसार लंबे वाले यौगिक भी अत्यधिक स्थायी होते हैं, जिसमें 20 कार्बन उपस्थित हो, समांतर श्रृंखला हो, दोनों सिरों पर मैथिलीन रूप से जुड़े हुए उपस्थित हों, प्रत्येक कार्बन के बीच में सामान्य संयोजकता कोष हो, साइक्लोप्रोपेन बनाना बॉन्ड।
अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, बनाना बॉन्ड। यहाँ पर हमने अभी स्ट्रेन थ्योरी देखी, बेयर की स्ट्रेन थ्योरी देखी, और दूसरी सैशे मोर सिद्धांत हमने यहाँ देखा। अब हम देखते हैं साइक्लोप्रोपेन में कैसा बॉन्ड होता है। साइक्लोप्रोपेन एक यहाँ पे हम देख रहे थे, साइक्लोप्रोपेन अणु जो है उसमें आंतरिक बंध कोण का मान 60 डिग्री होता है, अतः इसमें चतुष्फलकीय कोण 109.5 डिग्री से पर्याप्त विचलन पाया जाता है। रेखीय रूप से अतिव्याप करने वाले sp3 कक्षकों के लिए बंध कोण 109.5 डिग्री होता है। ऐसे कक्षक जिनमें शुद्ध p लक्षण हो, सामान्य बंध कोण 90 डिग्री से कम हो जाता है। साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कार्बन बंध से एस गुण सामान्य sp3 से अधिक होता है, इसके परिणाम स्वरूप कक्षक झुके हुए होते हैं, बंध का निर्माण करते हैं जिसकी आकृति केले के समान होती है। कार्बन कार्बन बंधों में एस गुण सामान्य sp3 से अधिक होता है, बंध का निर्माण। साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कार्बन बंध समान एल्केन की अपेक्षा दुर्बल होता है। जब दो परमाणु कक्षक अंतर्नाभिक के बंध अक्ष अतिव्यापन करते हैं तो बनने वाला बंध प्रबल होता है। यदि अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्ष अतिव्यापन नहीं करते हैं तो बंध सामर्थ्य घट जाती है। अतः साइक्लोप्रोपेन बंध सामर्थ्य के लिए कार्बन कार्बन बंध के लिए अतिरिक्त पी लक्षण तथा कार्बन हाइड्रोजन के बंध के लिए अतिरिक्त लक्षणों का उपयोग किया जाता है, जिससे ये बंध एल्केन कार्बन हाइड्रोजन बंध की अपेक्षा मोटा तथा प्रबल होता है तथा HCH बंध कोण 115 डिग्री चतुष्फलकीय के कोण से अधिक हो जाता है। इसको हम यहाँ पर इस तरह से देखते हैं, ये साइक्लोप्रोपेन है। यहाँ पर इस तरह से आपने देखा कि sp2 बंध इस तरह से अतिव्यापित होते हैं, कम प्रभावी अतिव्यापन है और अधिक प्रभावी अतिव्यापन अगर इस यहाँ पर होता है तो इस तरह से कम प्रभावी अतिव्यापन होता है। और ये साइक्लोप्रोपेन में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के मान और इनके बंध कणों के मान, तो प्रोपेन जो है वो बनाना बॉन्ड बनाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि साइक्लो एल्केन्स की सिंथेटिक एप्लीकेशंस क्या हैं, साइक्लो एल्केन्स के लिए बेयर की स्ट्रेन थ्योरी क्या है, साइक्लो एल्केन्स के लिए बेयर की सिद्धांत की सीमाएं, और विकृतिहीन वलयों के लिए सैशे मोर का सिद्धांत और साइक्लोप्रोपेन का बनाना बॉन्ड। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे पूरा करते हैं।